इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल वर्ल्ड में आना ही पड़ेगा, चाहे वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हो। मैं सिंपल एग्जांपल हूँ, पहले जब एम्पायर क्रिकेट मैच होता था तो डिसीजन किससे लिया जाता था, आपका एम्पायर ही डिसीजन लेता था, जैसे LBW हुआ इस तरह का वो। लेकिन आज के डेट में वो डिजिटल है। सिमिलरली आप किसी भी एक्टिविटी, चाहे ओलंपियाड हो या एशियन गेम्स हो, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, सारी की सारी एक्टिविटीज आपकी डिजिटल मॉनिटरिंग होती है। मतलब जैसे अपन थर्ड आई बोलते हैं ना, थर्ड आई इज लाइक ए डिजिटल, थर्ड आई मीन्स द डिजिटल। डिजिटल के बिना आप सर्वाइव नहीं कर सकते। जो भी आपको डिसीजन लेना है वो डिजिटल बेस पे ही लेना है, आपकी डेली लाइफ में भी आप जाइए। सो इफ यू स्टार्टेड विद योर लाइफ, मीन्स योर लाइफ स्टार्टेड विद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, मीन्स यू वांट टू नो द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, यू नो द पावर पॉइंट, यू नो द एक्सेल, आपको जो भी एनालिसिस करना है सारे डिजिटल डेटा है। अब मैनुअल सिस्टम नहीं, जितनी भी एक्टिविटीज हैं, आई थिंक एवरीबडी इज हर्ड अबाउट द सिमुलेशन। जैसे सिमुलेशन टेक्नोलॉजी के आपको कोई भी, जैसे अभी सिंपल एग्जांपल है कि आपको कार ड्राइविंग सीखनी है, तो कार ड्राइविंग के लिए एक तो मेथड है कि आप रोड पे आओ फिर कार को ड्राइव करो, वो तो पॉसिबल ही नहीं, उसमें खतरा ज्यादा है, किसी की जान भी जा सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसके लिए सिमुलेटर बना दिए हैं। सिमुलेटर मीन्स कि आप उस सेम लाइक कार जैसा डिवाइस है, उसके अंदर आप सीट पे बैठ जाएंगे, आपको गियर, एक्सीलेटर, स्टारिंग व्हील सब कुछ है, उसको यूज करना और उस कार को ऑपरेट करना। तो सेम ये भी डिजिटल जो वर्ल्ड है, बहुत सारे आपने देखे होंगे, चाहे वो लॉन टेनिस हो, इसमें बहुत सारे सिमुलेटर मार्केट्स में आते जा रहे हैं जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के लिए। और फ्यूचर में जब भी कोई न्यू कमर्स आएगा तो पहले आपको सिमुलेटर पे काम करना है, सिमुलेटर पे काम करने के बाद में आपको फिजिकल एक्टिविटी के लिए आपको मैदान में आना। तो इस तरह की एक्टिविटीज डे बाय डे बढ़ती ही जा रही हैं और उसका यूज होता जा रहा है। इसलिए आज की डेट में आप किसी भी रे में रहें, लेकिन आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी का नॉलेज होना चाहिए। और यदि आप टीचर हैं तो आज की डेट में हमारा नॉलेज हमारे को स्टूडेंट को ट्रांसफर करना है। स्टूडेंट को ट्रांसफर करना है मीन्स आपको उनको एक लोकेशन दूसरे, जिस तरीके अभी ये था COVID-19 में स्टूडेंट से आपका इंटरेक्शन नहीं था लेकिन आपको उनको पढ़ाना था, तो आप उस डिजिटल मीडिया को कैसे यूज करेंगे, उसके क्या क्या इनिशिएटिव उस गवर्नमेंट ने स्टार्ट करे हैं जिसको आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि सारे के सारे जितने भी आपकी एजुकेशन इंस्टीट्यूट हैं, वो या तो यूनिवर्सिटी से अफिलेटेड हैं या किसी आपके इंस्टीट्यूशन बॉडी से रजिस्टर्ड है, और वो सारे लोग अब पेनिट्रेट कर रहे हैं कि आपका जो कंटेंट हो, चाहे वो पढ़ाने वाला हो, चाहे वो एग्जाम्स का हो, चाहे जो भी आप आए दिन पेपर पढ़े कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ऑनलाइन वैल्यूएशन, ये सारी चीजें उसको पेनिट्रेट करें कि आप उसको यूज करें और उसको सीखें। तो आज का जो मेरा ये लेक्चर है या जो टॉक है, उसमें मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि किस तरह का मीडिया, किस तरह का पोर्टल्स, किस तरह की चीजें अवेलेबल हैं जिसको आप बड़े आसानी से यूज कर सकते हैं, और उसको आप उपयोग करके अब स्टूडेंट और टीचर के बीच का जो एक रिलेशन है वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। और आपके ई कंटेंट के लिए अब कोई बाउंडेशन नहीं कि आप सिर्फ इंदौर तक सीमित है या मध्य प्रदेश तक या इंडिया तक। आपका यदि कंटेंट बहुत अच्छा है तो आपने देखा यूट्यूब पे कितने लाइक्स आते हैं जो वीडियो चलते हैं, तो इसी तरीके से आप अपने नॉलेज को ऑल ओवर द वर्ल्ड एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक पहुंचा सकते हैं। तो अब मैं आपको एक पावर पॉइंट शेयर कर रहा हूँ, जिस पावर पॉइंट में ये बताया जाएगा कि गवर्नमेंट्स के कौन कौन से इनिशिएटिव स्टार्ट हुए हैं जो आपके लिए भविष्य में आने वाले टाइम के लिए यूजफुल है। नाउ आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। ये डिसेबल करा हुआ है शक्ति जी, वेट सर, ठीक हो गया, प्लीज ट्राई अगेन। आपको स्क्रीन विजिबल है मेरे? यस सर, यस सर। पावर पॉइंट स्क्रीन विजिबल है आपको? या विजिबल। तो जो अपना पहला, सबसे पहला जो है डिजिटल इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन एजुकेशन, वो चाहे कोई भी एजुकेशन हो, उस एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे पोर्टल और एक्टिविटीज को इनिशिएट कर दिया है जिसको कि आपको यूज करके आपको उसका उपयोग करना। और सबसे बड़ी चीज क्या है, ये जितनी भी एक्टिविटीज है, जितनी भी पोर्टल है, जितनी भी वेबसाइट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई चार्ज नहीं है, इसको आपको कोई पे नहीं करना, बस की फैसिलिटीज को आपको यूज करना है। जो सबसे पहला पोर्टल और जो भी यूज हो रहा है उसका नाम है स्वयं। स्वयं आप सब लोगों ने नाम सुना होगा, इस काफी कॉमन नेम है। स्वयं का फुल फॉर्म है स्टडीज वेब ऑफ एक्टिविटी लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड्स। ये पोर्टल MHRD जो आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट सेंटर है उसने डिजाइन करा है, उसने इसको इनिशिएट करा और काफी दिनों से चल रहा है ये पोर्टल। अब इसमें काफी अच्छा रिसोर्स मटेरियल है क्योंकि जैसा आप जानते हो कि जो नई जनरेशन आ रही है, दे आर
computer savvy. They are digital world savvy. They know mobile. They know how to transmit the data from one location. उसको copy, उसका content, उसका use. तो ये इस चीज़ के लिए इसीलिए उन्होंने ये स्वयं एक प्लेटफॉर्म बनाया है. इस वेब प्लेटफॉर्म के को यूज करके आप सारा का सारा जो भी वेब इनेबल मीन्स 24/7 एनी टाइम एनी डे. स्टडी के लिए कोई टाइमिंग नहीं होता. जब आपको मर्जी आए तब आप उसको पढ़े. उसके लिए ये उन्होंने एक प्लेटफॉर्म बनाया है जिस प्लेटफॉर्म पे काफी डेटा स्टोर करा हुआ है. आप उसको एक्सेस करके उसको आप पढ़ सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं. सेकेंड है स्वयं प्रभाव. स्वयं प्रभा एक 32 चैनल्स का सैटेलाइट लिंक है. इस लिंक के थ्रू भी आप बहुत सारी स्टडी कर सकते हैं, बहुत सारी पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत सारी चीजों को लर्न कर सकते हैं. लेकिन ये टीवी पर है तो इसमें बहुत सारे चैनल आपको यूजीसी का आपने सुना होगा मॉर्निंग में चैनल आता है. इस तरीके से ये 32 चैनल अलग से जीसेट 15 सैटेलाइट पर लॉन्च करें जिसमें एवरी डे नए नए सब्जेक्ट्स का आपको स्टडी का मटेरियल्स लेक्चर्स द्वारा पढ़ाया जाता है, उसको पढ़ सकते हैं. और इसके अंदर सबसे बड़ी चीज क्या, ये करिकुलम बेस्ड होता है. जैसे बीए बीकॉम में आप कुछ भी कोर्स कर रहे हैं या आपके स्पोर्ट्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं तो आप उनके लेक्चर बना के इस पर लॉन्च कर सकते हैं. उसका जो भी मटेरियल्स होगा वो आपको उस पर्टिकुलर डे के हिसाब से पढ़ाया जाएगा. इसलिए आपको कोई फाउंडेशन नहीं कि आपको क्लासरूम में आना है या आप डिस्टेंट लोकेशन पे, उसको आप डायरेक्ट टीवी लाइट सैटेलाइट लिंक से आप पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट एक और जो पोर्टल है जो काफी पॉपुलर है, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी. इसके अंदर जितना भी आपका एकेडमिक है, जितने आपके सर्टिफिकेट हैं, आपकी डिग्री है, आपकी मार्कशीट है, सारा इसमें आप स्टोर कर सकते हैं. इसमें स्टोर करने का सबसे बड़ा यूज क्या है कि आपको फिजिकल कोई भी डॉक्यूमेंट्स को कैरी नहीं करना है. ये सारे आपने एक बार स्कैन करके स्टोर कर दिए और उसको आप शेयर कर सकते हो. जब भी आपको कोई इंटरव्यू देने आना है, कहीं पे आपको जरूरत है डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि आप कहीं पे भी पार्टिसिपेट करते हैं तो भी आपको सर्टिफिकेट देना पड़ते हैं, डॉक्यूमेंट डिग्री डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो देना पड़ता है. तो उसके लिए ये आपका स्टोर करा हुआ डेटा है जिसको कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहता है, जिसको आप कभी भी एक्सेस करके उनको आप शेयर कर सकते हैं. मतलब फिजिकल डॉक्यूमेंट्स को आपको लेके जाने की जरूरत नहीं. तो ये एक ऐसे डिपॉजिटरी उन्होंने बना रखी है. नेक्स्ट है आपका नेशनल डिजिटल ऐप. एज यू नो लाइक हम स्टूडेंट हो या टीचर हो, हमारे लिए सबसे बड़ा जो सोर्स है नॉलेज का वो है लाइब्रेरी. उस लाइब्रेरी के थ्रू ही हम स्टडी करते हैं और पढ़ाई करते हैं. तो इसी तरीके से पहले तो देखा कि इंदौर सिटी में एक लाइब्रेरी है, मैं उसी को एक्सेस कर सकता हूँ, या वहाँ पे 4-5 लाइब्रेरी तो उसकी मेंबरशिप एक्सेस कर. आजकल जितनी भी लाइब्रेरी है सारी डिजिटाइज कर दी, बिकॉज नाउ इट इज द कंसेप्ट ऑफ ऑडियो बुक्स एंड डिजिटल बुक. डिजिटल बुक्स मीन द ई बुक्स. So all books are stored on a server and you can access anywhere, anytime. And this library is also open 24/7. आप कभी भी उस लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं. Even there is a search options available. तो आपकी फील्ड, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड आप मटेरियल्स को एक्सेस कर सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं. आपको पूरी बुक की कॉपी करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पर्टिकुलर उस पेज का वो मटेरियल निकाल के आप अपने नोट्स बना सकते हैं. ये सारी फैसिलिटीज नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी में. रेड कलर से आप जो नीचे देख रहे हैं ये सारी वेब लिंक है. ये पीपीटी फाइल मैं आपको शेयर कर दूंगा, इससे को आप यूज करें और इसको उपयोग करें. नेक्स्ट है आपका ई शोध. एक कंसोर्टियम है जहां पे पीयर्स जितने भी जर्नल्स हैं, साइटेशंस हैं, फैक्चुअल डेटाबेसेस हैं, सारे के सारे स्टोर कर दिए एक जगह पर. आप कभी भी जाके उसको सर्च कर सकते हैं. आपके फील्ड, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड जो भी जर्नल्स हैं, सारे ई जर्नल्स, उसके अंदर रिसर्च पेपर सब यहाँ पे स्टोर है. उसको यूज करके उसको आप उपयोग कर सकते हैं अपनी फ्यूचर रिसर्च के लिए, अपने एकेडमिक नॉलेज को डेवलप करने के लिए. ये भी एक बहुत बढ़िया पोर्टल है ईशोध के नाम से. वर्चुअल लिप्स. वर्चुअल लिप्स MHRD और NMEICT मतलब नेशनल मिशन ऑफ एजुकेशन फॉर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों ने मिलकर एक प्रोजेक्ट बनाया है. इसमें बहुत सारे लैब्स जो आप लोग पढ़ते हैं उसके लैब्स के बहुत सारे प्रैक्टिकल, की अभी आपने सुना होगा कि IITs बहुत सारे प्रैक्टिकल ऑनलाइन करा रहे हैं. ऑनलाइन मतलब उसको घर बैठ के बच्चे को पूरा प्रैक्टिकल सिखाया जाएगा. और करेंटली यहाँ पे 700 से ज्यादा वेब इनेबल प्रैक्टिकल्स वर्चुअल अवेलेबल है, जिसको आप अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे या अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पे आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं. ई यंत्रा अगेन इट इज अ प्रोजेक्ट ऑफ IIT मुंबई एंड सपोर्टेड बाय MHRD, जिसमें कि बहुत सारे एम्बेडेड सिस्टम है, रोबोटिक्स से रिलेटेड जितने भी सिस्टम उन सबको रन कराया जा रहा है, उनसे रिलेटेड जितना भी मटेरियल है इस ई यंत्रा पोर्टल के ऊपर अवेलेबल. E-Acharya is a postal, again is a project of MHICD and all project is supported by MHRD. And यहाँ पे आपको जो भी content मिलेगा, जो भी आपके teachers हैं, आपके specialist हैं, उनका audio video lectures, material, text material, सारा का सारा multimedia based enriched material पूरा इसी portal पे मिलेगा. और ये जो material मिलेगा E-Acharya, ये आपका course के हिसाब से,
यदि आप उसको बी ले भी अभी स्पोर्ट्स कर रहे हैं तो उसका रिलेटेड पूरा सिलेबस जो भी आपका था सिलेबस के हिसाब से पूरा करिकुलम आपको बना बनाया मिलेगा। इसकी पीडीएफ फाइल पढ़िए, इसका वीडियो लेक्चर अटेंड करिए, इसकी ऑडियो बुक्स पढ़िए, ये सारा इस तरीके से मटेरियल आपको ई आचार्य पोर्टल पर मिलेगा। विद्यमान विद्यमान इज अगेन द प्रोजेक्ट ऑफ एमएचआरडी एंड एनसीआईआरटी एंड इसके अंदर जो भी डेटाबेस जितने भी अपने एक्सपर्ट हैं आपके एरिया के एक्सपर्ट हैं उन सबके एरिया का डेटा इसमें स्टोर करा, उनका रिज्यूमे, वो किस फील्ड में रिसर्च कर रहा है, किस फील्ड में काम कर रहा है, ये सारा का सारा डेटा इसमें स्टोर कर रखा। और जब भी आपको कोई एक नया कमेटी है, कोई भी आपको कुछ कमेटी बना करके आपको कॉल करना है एक्सपर्ट को, तो इस डेटाबेस से आपको कॉल कर सकते हैं। बादल एक ये नया प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुआ है 5 साल पहले, जो कि क्लाउड बेस्ड है, क्योंकि आप जैसे सुनता रहे कि वर्चुअल वर्ल्ड, वर्चुअल एनवायरमेंट, वर्चुअल एनवायरमेंट में मशीन एक लोकेशन पे नहीं, आज मैं यहाँ से बैठ करके अमेरिका के मशीन को ऑपरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं प्रिंट दो कमांड दूंगा तो अमेरिका में प्रिंट आउट निकलेगा। तो ये सारा वर्चुअल जो वर्ल्ड है जिसमें कि सर्वर्स और डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर लोकेटेड रहते हैं, जिनको आप कंट्रोल करने जाते हो, उसका पावर ऑन करना है, ऑफ करना है, उसका डेटा ट्रांसफर करना है, ये सारी फैसिलिटीज बादल नेटवर्क के अंदर है, जो कि अपना इंडिया का खुद का बनाया हुआ नेटवर्क है जिसमें कि सारे जितने भी वर्चुअल सर्वर चल रहे हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कि जितने भी टैलेंटेड आपके एरिया से रिलेटेड स्कूल है, इसमें भी आपको चाहे वो रोबोटिक्स हो, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो केमिकल साइंस हो, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन हो, उसके जितने भी रेनाउंड पर्सन है जो उस एरिया में काम कर रहे हैं, एंटरप्रेनर है बड़े बड़े, उन सबका डेटाबेस नेशनल इंटरनेशनल सब लोगों का डेटाबेस इसके अंदर स्टोर करा है। जब भी आप इसकी जरूरत है तो आप उनको उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उनके बारे में उनको बुला सकते हैं, उनका आप लेक्चर ऑर्गेनाइज करवा सकते हैं, ये सारा पोर्टल इस पोर्टल के अंदर स्टोर है। इम्प्रिंट, इम्प्रिंट इज अ रिसर्च इनोवेशन टेक्नोलॉजी, ये एमएचआरडी का प्रोजेक्ट है, बिकॉज आप जो एजुकेशन सिस्टम है आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अभी आपका 2020 चल रहा है, 2025 में 5 साल के अंदर एजुकेशन सिस्टम एक आपको नए मोड में दिखाई देगा पूरा, आप जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर पूरा चेंज है, अभी तो हम जो पढ़ते आ रहे हैं जो चीजें चलती आ रही है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगी। एक लेक्चर देगा ऑल ओवर द वर्ल्ड पूरे लोग सुनेंगे, एक जने बुक को पब्लिश करेगा, एक रिसर्च पेपर सब लोग उसको देखेंगे, क्योंकि इंटरनेट टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट और इतनी अवेलेबल इजी टू एक्सेस होगी कि आपके मोबाइल डिवाइस पे भी आप सारी चीजों को एक्सेस कर पाएंगे और उसको यूज कर पाएंगे। तो ये सारे की जो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की है इसकी पूरी नई पॉलिसी बन रही है जिसमें कि आने वाले भविष्य के जितने भी इंजीनियर को नए तरीके से पूरा सिखाया जाएगा। साक्षात ये अगेन एक प्रोजेक्ट है एमएचआरडी का, दिस इज कनेक्टिंग ऑल हायर लर्निंग एजुकेशन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज ऑफ सर्वर्स पे, जो इतना भी आपका मटेरियल है, जितने भी आपके इंफॉर्मेशन है सबको ये साक्षात पोर्टल के ऊपर जाकर स्टोर किया जा रहा है। डिजी लॉकर का तो आई थिंक एवरीबडी इज नो, सब लोग जानते भी होंगे, आपने यूज भी करा होगा। डिजी लॉकर में कहा जाता है कि आपकी जितनी भी चाहे वो आपका आधार कार्ड हो, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, सारी की चीजें इसमें स्टोर करो और आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ले आने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको अपने लिंक को शेयर करना है और सामने वाला उसको लिंक से आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगा। दिस इज डिजी लॉकर। एनपीटीएल नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी एनहांस लर्निंग, इसको मेरा आपसे सजेशन है, इसको आप जरूर देखिए, ये बहुत बढ़िया पोर्टल है, इसको आप जाकर रजिस्टर्ड करके इसके अंदर आज के डेट में 14,000 डिफरेंट कोर्सेज हैं। और यदि आज का आप दैनिक भास्कर देखोगे तो उसमें भी न्यूज आई है आईआईटी चेन्नई ने आपके 400 नए फ्री कोर्सेज लॉन्च करें फ्री ऑफ कॉस्ट। सबसे बड़ा एनटीपीएल पे आईआईटीज और आईएम के प्रोफेसरों के लेक्चर स्टोर है या जो भी रिनाउंड फैकल्टी मेंबर्स हैं उनके लेक्चर स्टोर है, जिसको ये कोर्सेज को आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं, इसका कोई चार्जेस नहीं है, कोई कॉस्ट नहीं है। और इसके बाद में जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके बाद में आपको एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से एग्जाम देना पड़ती है, जिसका कि बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है। उस एग्जाम को यदि आप पास कर लेंगे तो पास करने के बाद में आपको वो आईआईटी या आईएम्स आपको सर्टिफिकेट इशू कर देते हैं और इस सर्टिफिकेट की मार्केट में वैल्यू है। मतलब ऐसा नहीं कि सर्टिफिकेट लेके आप जाएंगे तो उसको जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको रिकॉग्नाइज करती है। तो ये बहुत बढ़िया पोर्टल है, इसमें आपका जिस एरिया में भी इंटरेस्ट हो इसके अंदर हजारों लेक्चर्स स्टोर्ड हैं, बहुत बढ़िया लेक्चर्स हैं, वो चाहे टीचर हो स्टूडेंट हो। मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ कि इस पोर्टल की साइट को जरूर देखें और जरूर यूज करें। ऑस्कर,
ओपन सोर्स कोर्सवेयर फॉर एनिमेशन डिवाइस। जैसे मैंने अभी आपको सिमुलेशंस का बोला था कि सिमुलेशन के जितने भी सारा डेटाबेस इसके अंदर स्टोर हो रहा है आज तक के, इसके अंदर आप पूरी सारी इंफॉर्मेशन इसको स्टोर कर सकते हैं और उसको आप यूज कर सकते हैं सिमुलेशन। एंड शोध रिपोर्ट ऐसे नो कि हम जब आप टीचर हैं तो आपके अंडर में बहुत सारे स्कॉलर रिसर्च करते होंगे, तो प्लेगरिज्म के लिए हम उसका डेटा स्टोर करके उसमें चेक करते हैं कि वो कहीं से कॉपी करा तो नहीं है। तो ये डिजिटल रिपोजिटरी सारे रिसर्च वर्क, आप जो भी पीएचडी कर रहे हो या एमफिल कर रहे हो या आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो सारा डेटा इस शोध के अंदर स्टोर किया जाता है और उसको उपयोग किया जाता है। तो ये कुछ आपके साइट थे जो कि मैंने आपको बताया, जो कि आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसको सबसे बड़ा इन चीज का फायदा ये है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इनको कभी भी जाके एक्सेस कर सकते हो और उनका उपयोग कर सकते हो। सिर्फ आपको इसमें रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके बाद में उसको उपयोग करना, इसको उपयोग करके आप उसका पूरा फायदा ले सकते हो, क्योंकि इसके अंदर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो भी वर्ल्ड की करेंट इन्फॉर्मेशन चल रही होगी वो आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी। तो ये तो ये था। नेक्स्ट जो आपका एरिया है, जिसको हम सब लोग, आप लोगों ने वर्ड भी कॉमनली सुना होगा, ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। बिकॉज पहले आपको पढ़ाने के लिए आपको मालूम है आपने नोट्स बनाया और क्लास में आके आपने बोर्ड पे लिख के पढ़ा दिया है, उसके बाद में फिर प्रोजेक्टर आया, आपने ट्रांसपेरेंसी लाके पढ़ा दिया, फिर पावर पॉइंट शो आया, पावर पॉइंट में PPT फाइल बना के पढ़ा दिया, अब आया डिजिटल, आपको अपना कंटेंट बना करके उसको रखना है, जिसको कि यूनिवर्सिटी, AICTE, MHRD, UGC सारे प्रमोट कर रहे हैं कि आने वाले अभी करेंट सेशन के अंदर 20% बच्चा वहीं से पढ़ के आएगा, 20% आउट ऑफ 100 में से 20% का वेटेज आपको वहां से देना होगा और 80% आपको क्लास में पढ़ाना होगा, जो कि आने वाले समय में बढ़ के 50% हो जाएगा। 50% बच्चा आपके पोर्टल से पढ़ के आएगा और 50% बच्चा क्लास में आके स्टडी करेगा, उन दोनों के कंटेंट्स को, दोनों को जोड़ को मिला करके आपको उसको डिग्री अवार्ड करनी। तो मैक्सिमम आने वाले भविष्य में बच्चों के असाइनमेंट, बच्चों के जो भी आप चीजें लेने हैं, सारे डिजिटल माध्यम से ही लेना है। इवन यू वॉन्ट टू डिजाइन योर ओन कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, चाहे वो पावर पॉइंट हो, चाहे वो आपकी ई बुक हो, चाहे वो आपके वीडियो लेक्चर्स हो, तो आपको बताना आना चाहिए। अब मैं आपको नेक्स्ट जो स्लाइड दिखा रहा हूँ उसके अंदर वही सारी स्लाइड दिखा रहा हूँ, वो टूल्स और वो सॉफ्टवेयर दिखा रहा हूँ जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, जिसके थ्रू आप ई कंटेंट बना सकते हैं। ई कंटेंट के लिए लोगों के सब मैं कैसे बनाऊँ, कैसे पढ़ो, जिस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप चलाना सीख सकते हैं, इसी तरीके से बड़े आसानी से आप ई कंटेंट डिजाइन कर सकते हैं। अब मैं आपको एक स्लाइड शो बता रहा हूँ जिसके अंदर आप देखिए बहुत सारे टूल्स हैं, जो टूल्स आपके ई कंटेंट को डिजाइन करने के लिए हेल्प करेंगे। मैं अभी फिर से एक बार अपने को स्लाइड्स आपको शेयर कर रहा हूं। स्लाइड विजिबल है आप लोगों को, स्लाइड दिख रही है क्या? यस यस सर, विजिबल। तो नेक्स्ट मेरा जो ये आपका बताने का ICT टूल्स फॉर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, जो भी टीचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ICT टूल्स। लोगों को सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर हम कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, कैसे कंटेंट बनाऊं, कैसे पढ़ूं, क्या करूं, तो उसके लिए ऐसा नहीं है। आज की डेट में जिस तरीके से आपके बहुत सारे आपके मोबाइल में एप्स होंगे जिसको आपने कुछ भी पेमेंट नहीं करा उसको यूज कर रहे हैं, सिमिलरली ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर टूल्स इंटरनेट पे अवेलेबल है जिसकी मदद से आप अपना मटेरियल्स तैयार कर सकते हैं। वो कौन कौन से टूल्स हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहला है कंसेप्ट मैपिंग। जैसे कि यदि आप क्लासरूम में जाते हैं, क्लासरूम में जाने से पहले आपको प्रिपरेशन करना पड़ती है कि आपको क्लासरूम में क्या पढ़ाना है, तो जिस उस तरीके से ये सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊंगा, उसमें ये एग्जांपल लूंगा, इस तरीके से उनको असाइनमेंट दूंगा, दिस इज नोन एज कंसेप्ट मैपिंग। इज सिमिलर टू कि यदि आपको अपना बिल्डिंग बनाना है तो बिल्डिंग बनाने से पहले आप उसकी स्ट्रक्चरल डिजाइन करते हैं कि मेरा बेडरूम कहाँ आएगा, मेरा लिविंग रूम कहाँ आएगा, मेरा टॉयलेट कहाँ आएगा, किचन कहाँ आएगा। सिमिलरली यू वॉन्ट टू डिजाइन योर कंसेप्ट मैपिंग, तो इसके लिए बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं जिनका नाम है फ्री माइंड, वेन्यू, फ्री प्लान्स। इसके थ्रू आप पूरा एक लेक्चर का कंसेप्ट डिजाइन कर सकते हैं और उसके बाद में फिर उसको आगे आप बढ़ा सकते हैं। एक है फोटो एल्बम, आप सभी लोग फैमिलियर होंगे, सब लोग मोबाइल फोन यूज करते हैं, तो गूगल फोटो एल्बम यदि आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो जितने आपके फोटोज आप यूज करते हैं मोबाइल फोन पे या कंप्यूटर पे, सारे के सारे फोटो आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ई कंटेंट की बात कर रहा हूँ, तो जब भी आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो आपको उनके फोटोग्राफ्स रखते हैं, बिकॉज हमेशा ये बोला जाता है, आप किसी भी रिसर्च को उठा के देखेंगे, विजुअल कंटेंट का इम्पैक्ट
किसी के ऊपर ज्यादा होता है, तो हमेशा हम कोशिश करते हैं कि बच्चे को हम विजुअल कंटेंट से सिखाएं। विजुअल कंटेंट आप जितना उसको दिखाएंगे उतना उसके लिए यूजफुल होगा, इसलिए आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी, फोटोग्राफ्स की जरूरत पड़ेगी, कहीं पे आपने देखा मोबाइल से पिक्चर ले लिया और उसको स्टोर कर लिया। तो गूगल फोटो इज अ फ्री एप्लीकेशन, इसके अंदर आप अपने जितने भी फोटोज आपको लगते हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको स्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपका सिर्फ जीमेल अकाउंट होना चाहिए, जीमेल अकाउंट के थ्रू आप इसको इसमें ट्रांसफर। Pent.net, Pent.net इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का फ्री सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप एडिटिंग, आपने जो भी फोटोज लिए उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर स्पेशल इफेक्ट डाल सकते हैं, उसमें भी आपको लग रहा है कुछ आपको बताना चाहते हैं तो उसमें टेक्स्ट से आप उसमें एडिट कर सकते हैं।